कुछ दिन बाद ये खंडर से किस चीज में बदलने वाला है। अच्छा हाँ, पतला वाला ये तो चाह रहा हूँ, कोई पूरी सीनरी बन जाएगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की हमने शुरुआत कर दी, और आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, हम पापा और मम्मा तीनों लोग जा रहे हैं, हमारे घर में छोड़ने वाला है काम। तो हम जो घर में चीजें लगने वाली हैं उन चीजों को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि टाइल्स, वॉश बेसन वगैरह वगैरह, चलकर आपको दिखाएंगे। क्योंकि सिलेक्ट इसलिए करने जा रहे हैं अभी से, क्योंकि मैं यहाँ पर होऊंगा नहीं, जब यहाँ पर काम चलेगा मैं चला जाऊंगा बाहर शूट के सिलसिले से, तो इस वजह से मैं पहले ही सिलेक्ट करके दे जा रहा हूँ मम्मा को। फिर उसके बाद हमारा घर मतलब थोड़ा सा लग्जरी होने वाला है इस एरिया में, बाकी आप बाद में देखना। तब तक ऐसा थोड़ा कर ले जब तक। तो चलिए गाइस अब यहाँ से बस निकलते हैं, डिजाइन वगैरह पसंद रहने करेंगे। के लिए तो ठीक ठाक करना ही पड़ेगा, रहने के लिए थोड़ा सा लग्जरी कर देंगे इस एरिया को। इस एरिया को आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बिकेगा तो बिकता रहेगा और कीमत उड़ जाएगी हमारे मकान की। हम क्यों बेचेंगे, हम तो खरीदेंगे। रहूंगी नहीं ना। नहीं तो बेच के क्यों, हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे। चलो गाइस तो निकलते हैं, तीनों टर्री से जाएंगे, तीनों टर्री से। स्टाइलिश अच्छा लग रहा है, चश्मा सब कुछ ठीक है। तो भाई साहब टर्री मिल गई है, मार्केट में चल रहे हैं गंजनवारा की, अब निकलते हैं जल्दी से पहुंचते हैं। तो सामने ही आ चुकी है सभी का टाइल्स की दुकान। ठीक है, अच्छा हाँ पतला वाला ये तो चाह रहा हूँ, अंदर रखा है सामान है। चलो अच्छा, अंदर गोदाम है, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। चलो ऊपर आ गए, ऊपर वॉश बेसिन ही है, जल्दी आ जा देख लो मम्मा। अपना तो घर कम फ्लोर है, नहीं इतना सोना रहेगा, जितनी वॉशिंग मशीन उतनी ही तो है ऐसा। उसमें छोटी चौड़ाई बढ़ जाएगी आपकी, इतनी बढ़ जाएगी। हाँ ऐसा नहीं, इतनी नहीं है फिर भी आपकी, देखो लगने के बाद वॉश बेसन हमने देख लिए बहुत सारे अलग अलग कलर, अब कलर तब पसंद करेंगे जब टाइल पसंद आएगी हमको। अब टाइल और चूज करते हैं, ये वाली लगा लो, बड़ा पीस है ना, बड़े पीस लगाओगे। दीवार की, दीवार की है, कोई पूरी सीनरी बन जाएगी, कोई ऐसी टाइल है थोड़ी बत्तक वाली है। पूरी कोई सीन भी बन जाए, जानदार चीज नहीं लग सकती। जेट बैग प्लेन वाली लगा, कलर पहले फर्श का कलर चूज करा जाए, फर्श का कलर चूज करा, उस पे जो सूट करेगा वो अलग चूज करेगा। तो सिंक भी सिलेक्ट कर लिए मम्मा ने, मैं आ रहा हूँ फोटो खींच के। ठीक है, अब हमने टाइल जो है सिलेक्ट कर लिए कि कौन कौन सी लगना है फर्श पे दीवार पे, अब उसके हिसाब से अब वॉश बेसन देखते हैं। ठीक है चलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई साहब, तो घर की तरफ निकल चुके हैं सारा सामान सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है भाई साहब, लौट आए हैं अपनी गली में, कुछ दिन बाद ये खंडर से किस चीज में बदलने वाला आया है। चलो भाई साहब, बहुत सारी चीजें सिलेक्ट करा है और बहुत सारा बिल बना के जमा भी करा है, पेमेंट वगैरह सब कुछ। और अब ये एरिया कुछ दिन बाद जब मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से आऊंगा तो थोड़ा बदल चुका होगा, क्योंकि ये वाला जो सब एरिया है ना, ये दो चार दिन बाद बिल्कुल सब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेमोरी के तौर पर ये सारी चीज मैं देख लूँ, ये सब एरिया, ये एरिया सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो एरिया सब कुछ एकदम बदल जाने वाला है, ये किचन वाला एरिया ये सब बदल जाएगा। इस वजह से मेमोरी के तौर पर ये वीडियो ले रहा हूँ, ताकि आप लोग भी देखें पहले कैसा था और बाद में कैसा हो जाएगा। जिंदगी बदल रही है तो फिर अपनी मेमोरी सेव करना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, जैसे कि आपको दिखा दिया हमने सब कुछ। तो आज पढ़ेंगे कमेंट, काफी दिन से आपके पढ़ नहीं पा रहे हैं कमेंट। तो सबसे पहला कमेंट है हुसैब खान का, बहुत पैसे खर्च किए हैं उन्होंने इसमें, तो जी हाँ मैंने दिए थे मम्मा को, तो फिर मम्मा ने किए हैं, इस बार बचाए नहीं, अच्छा किया। फिर दूसरा कमेंट है, कह रहा है पूरा सामान एकदम मस्त है और गोल्डन ग्लास और जग तो बहुत टॉप लग रहा है, तो बहुत ही ज्यादा असली में और ज्यादा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका भाई,
लेकिन बहुत दुख हो रहा है सब चीज लेकर। फिर अगला कमेंट है इमरान सैफी का, जो कि कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं सारा सामान बहुत अच्छा है तुम्हारा, अम्मी की पसंद बहुत अच्छी है। अच्छा, पसंद तो अच्छी है, बेटा के भी अच्छी है भाई। हम दोनों की पसंद है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, शुक्रिया आपका। फिर फरहीन खान का कमेंट है नाइस जग सेट, क्या प्राइस है? ऐसे 2500 का आया था, है ना? हाँ, इसी प्राइस में आया था, पीतल का है वो। और शॉपसी शॉर्ट का कमेंट है अपनी मम्मी को किसी चीज का रेट नहीं बताया करो, उन्हें महंगी चीजों की बहुत टेंशन होती है। और ये सिर्फ आपकी मम्मी के साथ नहीं, दुनिया में ज्यादातर मम्मी को टेंशन होती है। तो हाँ, सही होती है, कह रही है। खैर, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, शुक्रिया आपका भाई। अगला कमेंट है सुकूनत आजम का, कह रही है जग सेट बहुत अच्छा है, तो शुक्रिया, शुक्रिया आपका। और ऑफिशियल है उनका कमेंट है, कह रहे हैं सोने के बर्तन है क्या भाई? सोने के समझ कर ही लिए, मतलब इतनी कीमत में लिए तो हमें तो सोने के ही लग रहे भाई। पीतल के हैं। और साबिर अंसारी का कमेंट है भाई चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा पर, तो जी हाँ, शुक्रिया, मेरी ही पसंद है, कैसी है बताना। ठीक है, तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगो हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, करें बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।